करो मतलब मैं कुछ नहीं दे सकता। अच्छा। आप लोगों को रखना है काम पे तो रखिए, वरना माधुरी दीक्षित जी के घर से मेरे को खुल्ला ऑफर है। ओ गॉड, हिंदी मूवीज में यही प्रॉब्लम है, अचानक गाने रखते हैं। I mean, why do they start singing and dancing without any reason? ये तो रीजन है। हीरो ने हीरोइन को प्रपोज किया, हीरोइन ने एक्सेप्ट कर लिया और हीरो खुश हो गया, बस। So what? ऐसा लगता है कि लाइफ में पहली बार प्रपोज कर रहा है। हमारे यहाँ लाइफ में एक ही बार प्रपोज होता है, हर 3 महीने बाद प्रपोज करने का ट्रेडिशन आपके यहाँ होगा। कुछ नहीं। तो ऐसा करो, मेरी ब्लू जीन्स मेरे कमरे में पड़ी, उसको जरा आयन कर देना। आज शाम को मैं वही पहन के बाहर जाऊंगा। थैंक्स सर। तुम्हारी जीन्स है, तुम ही आयन कर लो। मैं यू मस्ट बी जोकिंग अलका, एक्चुअली मैं इंडियन आयन से आयन नहीं कर सकता, यू सी इट्स सो रिस्की यार। प्लीज अलका डू इट फॉर मी, प्लीज प्लीज अलका। ठीक है। I like it. Ajay. Ajay, please mere liye ek glass pani la do. Please. रही हूँ। क्या बात है? मुझे बहुत भूख लगी है सू, कुछ बना दो। ठीक है, क्या खाना? चिकन सूप। ना, मैं ऐसा नहीं बनाऊंगी। प्लीज नहीं, बहुत भूख लगी है। अरे नहीं खाना, थोड़ा सा बना दो। नहीं बनाओ ना। ठीक है, मैं टमाटर सूप बना के भेजती हूँ। अच्छा भाई, कुछ भी बना दो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग जी। भाभी एक ब्लैक टी बना दीजिए, आपको बनानी तो आती है ना? जी हाँ, आपके साथ रहकर नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? अरे यू आर ग्रेट भाभी, यू आर ग्रेट। थैंक्स। वैसे आपकी चाय पेश कहाँ करूँ? आपके कमरे में? नहीं, हॉल में, हॉल में। मेरे कमरे की कुछ हालत ठीक नहीं है। हालत तो वैसे पूरे घर की ही ठीक नहीं है। हाँ सच कहा भाभी, आप अकेली क्या क्या समेटेंगे। वैसे अगर टाइम मिला तो मेरा कमरा साफ कर दीजिएगा, क्योंकि शादी का तो आपको पता है ना। हाँ, एक्सीडेंट हुआ है। और फिर आपके होते हुए, मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? करेक्ट भाभी, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरी ब्लू जीन्स आयन हो गई जी। वेरी गुड, आई लाइक इट एक्चुअली। अभी नाश्ते में थोड़ी देर है, यही लेकर के निकल जाओ कॉलेज। थैंक यू आंटी। अलका जरा पानी ले होगी? अलका प्लीज अलका प्लीज। ठीक है। She's so sweet, no auntie, she's so sweet. Yeah, yeah, you're right. Of course she's sweet. And even Ajay, he's so sweet. Don't forget uncle and auntie, huh? Be helpful, Anna. नवाब होंगे वो लोग अपने घर में। ऐसी आदतें थी तो अमेरिका छोड़ करके आए क्यों यहाँ? क्यों, क्या हुआ? आज सुबह से मेरे बच्चों से प्लीज एक्सक्यूज मी कर करके काम करवाए जा रहे हैं ये लोग। अरे तो क्या हुआ, उन बेचारों को काम की आदत नहीं है। अच्छा, और हमारे बच्चे तो अंग्रेजों के जमाने के गुलाम है ना, उन्हें तो काम ही की आदत है। अरे उनको शायद नौकरों की आदत होगी। तो ले आते ना अपने नौकर यहाँ, हमने थोड़ी मना किया था, हमारा भी फायदा हो जाता। अरे नहीं नहीं, उनके नौकरों को इतना काम करने की आदत नहीं होती, उल्टा उनकी सेवा भी तुम्हें करनी पड़ती। शुक्र करो बच गई। हेलो रॉकी। हेलो। एंजॉयिंग टीवी? एंजॉयिंग? आई एम गेटिंग बोर्ड, ये हिंदी प्रोग्राम से सो बोरिंग अंकल। तो और कुछ प्रोग्राम देख लो, इतने सारे चैनल्स है। इतने सारे? यू नो अमेरिका में कितने सारे चैनल्स होते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा है टीवी देखने को, पढ़ लो ना। हे गुड आइडिया। नमस्ते पिताजी। हे हाय अजय। हेलो पिताजी, मैं अपने दोस्त के घर नोट्स देने जा रहा हूँ, वहां से मैं सीधे कॉलेज चला जाऊँ। हे वेट वेट मैन, आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। रॉकी मुझे आज बहुत जल्दी है, फिर कभी है।
ओके तो एक काम करो, मेरे कमरे में मेरी नोट पड़ी है यार, उसको ले आना। आई एम गेटिंग बोर्ड। थैंक्स हां। तुम खुद ही ले लो ना। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। नहीं, मैं लेके जाऊंगा। हाँ अजय, मैं लॉन में बैठा हूँ यार, नॉर्मल वहीं लेके आना। मेरी हो गई टेंशन। देखो रॉकी, क्या बात है भाई साहब, सफाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, इधर उधर बिखरी हुई चीजें जगह पे रख रहा हूँ। देखो अश्विन, मेरा मानना है कि इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, अमेरिका में हर इंसान अपना काम खुद करता है। लेकिन कुछ अमेरिकन ऐसे होते हैं कि अपना काम खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। सही, आप मुझे ताना तो नहीं मार रहे? मैं तुम्हारे बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ, तुमने उन्हें बिगाड़ रखा है। अरे पानी का ग्लास भी खुद भर कर पी नहीं सकते, हर काम के लिए अजय ने तो अलका की मदद चाहिए उन्हें। दरअसल बात क्या भाई साहब, बच्चे इंडिया आने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैंने उनसे कहा कि इंडिया चलोगे तो वहां काम नहीं करना पड़ेगा। उन्हें खुश करने के लिए मैंने ये छोटा सा झूठ बोल दिया। भगवान के लिए तुम्हारे झूठ की सजा मेरे बच्चों को मत दो। एक काम करते हैं भाई साहब, क्यों ना हम एक नौकर रख ले। मतलब अब मेरे बच्चों की आदतें भी खराब हो जाएगी। Oh God, this headache is too much. Alka, Alka, हाँ? Alka, एक कप चाय बनाना प्लीज। जो सामने देख रही हो उससे किचन कहते हैं, वहाँ गैस है, दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, मैं भूल गई वहाँ पानी भी है। I know that. So, तो जाओ और खुद बनाओ, और हाँ मेरे लिए भी एक कप बनाना। क्या मैं चाय बनाऊँ? Are you crazy? क्यों, तुम्हें सिर्फ कॉफी बनानी आती है? लेकिन अलका, हम तो इंडिया आए हैं तुम्हारे पास। कोई ऐसा नहीं किया हम पर, जा और खुद बना। और हाँ, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। लेकिन पापा ने तो कहा था कि क्या? चाचा जी ने कहा कि हम तुम्हारे नौकर हैं। Oh my God, चाचा जी। Sir, I'm getting bored now. यार मुझे बोर मत कर यार। चाचा जी, क्या हुआ बेटा? क्या आपने हमको नौकर कहा? लेकिन डैड, आपने तो कहा था कि इंडिया में हमें कोई काम नहीं करना होगा। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करो, आप किसी को काम नहीं करना होगा, इस घर में नौकर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। अरे नहीं भाभी, मैंने और भाई साहब ने फैसला किया कि आप नौकर रख लें, अब तो आप खुश हैं? हम तो बगैर नौकर के भी खुशी थे भाई साहब, ज्यादा खुशी तो आप लोगों को होनी चाहिए। क्यों राकेश? सबसे ज्यादा जरूरी है कि नौकर के संस्कार अच्छे हों। संस्कार क्यों भाभी, गोद लेना उसे क्या? क्यों, नौकर भी तो घर का एक सदस्य ही होता है ना भाई साहब, अगर उसके संस्कार हमारे साथ नहीं मिले तो कैसे निभेगी? ठीक है, कुल मिलाकर हमें नौकर आज्ञाकारी, संस्कारी, इंग्लिश स्पीकिंग, वेल मैनर्ड हो, और जिसे कॉन्टिनेंटल डिशेस, थाई डिशेस, फ्रेंच डिशेस और इंडियन डिशेस बनानी आती हो। लगता है ऑर्डर देकर बनवाना पड़ेगा, ऐसा रेडीमेड तो मिलना मुश्किल है। और भाभी ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? हाँ, है एक ऐसा आदमी मेरी नजर में। कौन, नौकर? नहीं, नौकर ढूंढने वाला। नमस्ते, आप ही का इंतजार कर रही थी। जी बस आपका हुक्म हुआ तो बंदा हाजिर हो गया। माफ कीजिए, आपको जरा तकलीफ दी टंडन साहब। ना जी ना, तकलीफ की कोई कल नहीं, मैं तो वैसे भी आपसे मिलने के लिए आने वाला था। एक काम था। अजी हुक्म करो ना, ये बंदा दुनिया का हर काम कर सकता है। मुझे मालूम था, इसीलिए आपको बुलाया, हमें एक नौकर की जरूरत है। मजाक कर रहे हो? मैं हर काम का मतलब ये नहीं कि मैं आपके घर में पोछा मारूं। मेरा पापा की दिल्ली में बहुत चिल्ला काम चलता है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, हम आपसे थोड़ी करवाएंगे ये काम, हमको नौकर ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। ओ ऐ गल है। हाँ। तो फिर एक काम करो, आप एक टेलीफोन नंबर नोट करो, नौकर आ जाएगा। नौकर के घर में फोन? ना जी, नौकर के घर का फोन नहीं है, ये है नौकर सप्लाई एजेंसी का फोन नंबर। अच्छा, कार्ड आप ही रख लो। नौकर सप्लाई की भी एजेंसी होती है? ओ, आजकल हर चीज की सप्लाई होती है,
बस उस चीज की सप्लाई नहीं होती जिसकी बड़ी सख्त जरूरत है, वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई। सर्वेंट सप्लाई एजेंसी, वाह क्या जमाना आ गया है। देखिए हम एक नौकर रखना चाह रहे हैं, नहीं हमें एक नौकर की जरूरत। हेलो हेलो सर्वेंट सप्लाई एजेंसी। हाँ जी नमस्ते, देखिए हमें एक जोकर की जरूरत है तो नहीं मतलब हमें एक नौकर की जरूरत है तो। हाँ घर में कितने मेंबर्स हैं आपके? चार नहीं आठ। आपके हस्बैंड सर्विसमैन है या बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन है। किस चीज का बिजनेस है? रेडियो रिपेयरिंग का। आपका बजट क्या है? अरे वो तो हम नौकर देख करके तय करेंगे ना। नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है, हम बजट के हिसाब से ही नौकर भेजते हैं। आप अपना बजट बताइए। अच्छा हाँ तो फिर 1000 रुपया। सॉरी मैडम आप हमारी क्लाइंट बनने के लायक नहीं है। अरे नहीं नहीं सुनिए तो फिर 2000 रुपया। सॉरी आप किसी दूसरी एजेंसी को कॉन्टेक्ट कीजिए। भाई तो फिर ठीक है 3000 रुपया। ठीक है एड्रेस बताइए। हाँ लिख लीजिए, देवी प्रसन्न भवन भवानी नगर जबलपुर। अरे ये कौन सा एड्रेस बता रही हैं आप? माफ कीजिए गलती से वो मैके का निकल गया। आप यहाँ का लिखिए, यहाँ का लक्ष्मी सदन डॉक्टर आम्बेडकर रोड सांता क्रूज मुंबई। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे लगता है अमेरिका और इंडिया में एक साथ सूरज निकला यार। सब लोग एक साथ सुबह सुबह भूल गए आज नौकर आने वाला है। खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे एजेंसी से नहीं तुम्हारे मायके से आ रहे हो। इतना सरदस के बैठे हो? हमको नौकर सिलेक्ट करना है या नौकर हमको सिलेक्ट करेगा? एक ही बात है भाई साहब, आजकल नौकर भी मालिक को सिलेक्ट करता है। नमस्ते साहब। नमस्ते। वेलकम मिस्टर सर्वेंट। अब एजेंसी से आया हूँ नौकरी के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? हरि प्रसाद पांडे। अच्छा आप कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? यू नो इंग्लिश? हाँ साहब घर का सारा काम जानता हूँ। अरे भाई ये पूछ रहे हैं तुमको अंग्रेजी बोलनी आती है कि नहीं, पढ़े लिखे हो कि नहीं? अरे साहब पढ़े लिखे होते अंग्रेजी जानते तो काहे घर घर में नौकरी करते, आपकी तरह कोई नौकर ना ही रख लेते। ठीक है पांडे साहब आप जा सकते हैं, हमें अंग्रेजी बोलने वाला नौकर चाहिए। तो साहब एजेंसी में बोलना चाहिए था ना, काहे हमारा टाइम खराब किया बिना बात। मेरे हिसाब से तो अच्छा आदमी था। अब अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हुआ तो? हमें कौन सा उसे अमेरिका भेजना है? अरे तो भैया उसके रहना तो अमेरिका वालों के साथ ही है ना। अभी जो भी आएगा उसे मैं बात करूंगा। तुम लोगों के बड़े नखरे होते हैं। हेलो मैं राजू चौबे एजेंसी से आया हूँ जी। वेरी गुड वेरी गुड, ही नोज इंग्लिश। आइए आइए चौबे जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनारस से हैं जी। ओ बहुत खूब, क्या क्या जानते हैं? घर का सभी काम जानते हैं जी। खाना बनाना तो जानते हैं ना? आलू मटर बैंगन भरता मलाई कोफ्ता। साहब जी आलू के पराठे तो बहुत अच्छा बनाता हूँ जी। अरे भाई नॉन वेज बनाना आता है कि नहीं आता? राम 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 राम, हम बनारस के चौबे हैं, शुद्ध शाकाहारी। सॉरी मिस्टर चौबे, हमें वेज और नॉन वेज दोनों बनाने वाला है। इट्स ऑल राइट, हम नॉन वेज खाने वाले के घर काम नहीं कर सकते। जय राम जी की। अब आप कहाँ चले? बनारस? मुझे क्लाइंट के घर से रेडियो उठाने जाना है। अरे मगर इस ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हिसाब से दोनों आदमी ठीक थे। चल दिए पिताजी का अगर बस चला ना तो दोनों नौकर को रख लेते। हेलो आई एम कम फ्रॉम द एजेंसी फॉर द सर्वेंट्स जॉब। आइए आइए मिस्टर बनवारी लाल। बनवारी लाल, हे टिपिकल इंडियन नेम। And a typical Indian man. आप क्या क्या जानते हैं बन? काका कहो, अरे हम तो सभी कुछ जानते हैं, घर का सभी काम, वेज नॉन वेज चाइनीज सभी तरह का काम जानते हैं, सभी खाना बनाना जानते हैं। लो तो फिर और क्या चाहिए, हमें मंजूर है, है ना बच्चों? हाँ मामा। हमें मंजूर नहीं, Dad, we don't want this man. He's too old. Yeah. भाभी, अगर बच्चों को पसंद है तो रहने दीजिए। मगर बच्चों की हर बात मानना जरूरी है क्या भाई? No, Ani, we don't want this man. Simple as that. लेकिन हमें चाहिए ना? हमें नहीं चाहिए। मगर हमें चाहिए ना? नहीं चाहिए, 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 जिसके लिए झगड़ रहे थे वो तो चले गए। क्यों? नौकर की शॉपिंग करने जा रहे हो? वेरी फनी, यस यू वेयर एंड वॉच दैट मनी कैन बाय एनीथिंग। टंडन साहब आपने जो नौकर भेजे एक भी काम का नहीं निकला। अच्छा दूसरा भेज रहे हैं लेकिन इस बार
फाइव स्टार होटल में काम किया है? अच्छा, कब आएगा? शाम को? वाह, वैक्टा मामा, आई एम चिंतामणि, एजेंसी से आया काम के वास्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एजेंसी के मालिक है ना? अरे कहाँ है वो आपका आदमी, अभी तक आया नहीं वो फाइव स्टार वाला? हाँ वो आदमी मैं हूँ जी। आप अरे सुनो सपना, सुनो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नौकर आ गया, भाई साहब नौकर आ गया। आइए, ये चिंतामणि एजेंसी से आए हैं। आप हमारे घर काम के लिए आए हैं? सर मैं बिना काम का किसी के घर जाता नहीं जी। Can you speak in English? Do you know English? Why not? Which accent you want? American or British? Hey! Chintamani, why did you leave your five-star job? Sir, hotel hota sir, aur ghar hota. Wo hotel mein family atmosphere nahi milta ji. And I really miss it. Any more questions? No more questions. You are selected. एक मिनट हाँ, जरा एक बात समझ लो, इस घर में दो किस्म के परिवार रहते हैं, एक वेज और एक नॉन वेज। पहले वेज नाश्ता बनेगा फिर नॉन वेज बनेगा। क्यों नॉन वेज पहले क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब तक आप लोग नींद से उठते हैं तब तक करीब करीब लंच टाइम हो जाता है, और लंच टाइम में ब्रेकफास्ट करने की आदत हमारी नहीं है। वो तो ठीक है सर, पर हमको सैलरी कौन देगा जी? चिंतामणि, ये मेरा छोटा भाई है, अब बड़ा आदमी बन गया है, अमेरिका में बिजनेस है, डॉलर्स में कमाता है। था कहिए भाई साहब, था अमेरिका में बिजनेस था, डॉलर्स थे, अब तो सिर्फ आप ही है मेरे सब कुछ। तो सीधा बोलना सैलरी मुझे देनी है। बोलना तो ना समझ को पड़ता है भाई साहब, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। हम इतने समझदार भी नहीं है, और वैसे भी नौकर की जरूरत आपके नवाब जादों को है, हमारे बच्चों को नहीं। हम नहीं देंगे सैलरी। ये जो आप लोग डिसाइड करके एजेंसी को फोन करना है, भाई साहब आधी आधी देते ठीक है, आधी आधी। चलो भाई, पर इसी बात पे हो जाए एक प्याला चाय। हाँ। तुम्हारे हाथ की चाय से सिगनेश होगा। अरे चिंतामणि सुनो, चाय बनाओगे ना, पहले पानी बॉईल करना, बाद में दूध डालना। अरे नहीं नहीं, इसमें टेस्ट कहाँ से आएगा? पहले दूध और पानी साथ में उबालना, फिर चाय पत्ती डालना। अरे नहीं नहीं चिंतामणि, पहले चाय की पत्ती और पानी बॉईल करके बाद में दूध डालना, अमेरिका में ऐसे ही बनता है भाभी। अरे ये इंडिया है, यहाँ दूध में पानी और पानी में दूध मिलाने की परंपरा है। चिंतामणि जैसे मैं कहती हूँ वैसे चाय बनाओ। चिंतामणि जैसे मैं कहता हूँ वैसे बनाओ। नहीं चिंतामणि जैसे मैं कहती हूँ वैसे बनाओ। मैं कह रहा हूँ तुमको जैसे मैं कहता हूँ वैसे बनाओ। अरे चिंतामणि, चाय वैसी बनेगी जैसी तुम चाहोगे। हाँ।